दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आजकल की लड़कियों के नखरे एटीट्यूड को देखकर पहले तो लड़के जल्दी उन्हें प्रपोज ही नहीं कर पाते और जैसे तैसे प्रपोज कर भी देते हैं तो यह सोचकर कंफ्यूज रहते हैं कि कब उससे एक किस के लिए कहें, क्योंकि किसी लड़की से किस करने के लिए कौन सा समय सबसे सही है यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलो बताते हैं कि आपको पसंद आई लड़की से या अपनी गर्लफ्रेंड से कब किस करने के लिए कहना चाहिए। दोस्तों यदि आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप किसी लड़की या अपनी गर्लफ्रेंड के मन में किस करने की इच्छा को जगा सकते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर वन, सबसे पहले आप अपने अंदर की आवाज सुनें। अगर आपको लगता है कि किस करना सही नहीं है तो बिल्कुल भी ना करें। यदि आप दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे की आंखों में भी देख रहे हैं तो यह आपके लिए किस करने का बिल्कुल सही समय है। सेकंड नंबर, दोस्तों यदि आप किसी पसंद आई लड़की या गर्लफ्रेंड को किस करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके सामने अपने आप में मौजूद जोश आकर्षण को दर्शाने की कोशिश करें ताकि दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री क्रिएट हो सके, क्योंकि बिना केमिस्ट्री के दो लोगों के बीच में रिएक्शन होना कठिन होता है। वैसे तो जब आप दोनों के बीच में काफी सारी रोमांटिक बातें होने लगे तो आप बेझिझक होकर भी उससे किस करने के लिए कह सकते हैं। थर्ड नंबर, दोस्तों अक्सर लड़कियां लड़कों के लिए केमिकली और उनके व्यवहार के अनुसार प्रतिक्रिया देती हैं। लड़कियों को आपके बर्ताव में ऐसा नजर आएगा कि आप प्यार में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें यह बात समझते देर नहीं लगती और आप उनके होंठों को ध्यान से देखें। दोस्तों खुशी महसूस करने की वजह से प्यार की भावना जागती है, इसलिए उसकी भावनाओं को जगाने की कोशिश करें। फोर्थ नंबर, किसी हंसी मजाक के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए उसे छूने की कोशिश करें या उसके बालों में कुछ होने का बहाना बनाकर उसे छू सकते हैं या फिर उसकी बड़ाई करते हुए उसकी पीठ भी थपथपा सकते हैं। इससे भी लड़की आपकी भावनाओं को समझ सकती है कि आप उससे डीप लव करने की इच्छा रखते हैं। यदि वह आपकी इस प्रतिक्रिया के बाद भी सहज रहती है तो आप उसे किस कर सकते हैं, यह सबसे उचित समय है। फाइव नंबर, आप उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जा सकते हैं। हो सकता है इस स्थिति में वह शर्माएगी या किस करने की इच्छा होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत तो नखरे दिखा सकती है। अगर आप किस करने के लिए उसके चेहरे को टच करते हैं और वह विरोध कर देती है तो किस भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको उसके व्यवहार से यह आसानी से पता चल जाएगा कि उसका इरादा क्या है और वह क्या चाहती है, किस हद तक चाहती है। सिक्स नंबर, किस करते समय या किस करने के लिए किसी भी तरह की जल्दबाजी और जबरदस्ती या फोर्स ना करें। यदि किस करने के दौरान वह ज्यादा जोर से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है या गुस्सा जाती है या अपना सर झटके से नीचे कर लेती है, यानी कि गुस्से के साथ अगर विरोध करती है तो उसे तुरंत छोड़ दें, किस ना करें। उसकी भावनाओं को सम्मान दें, लेकिन एक बात याद रखें कि किस करने का प्रयास ऐसी जगह पर करें जहां पर आप दोनों अकेले हों, भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं होनी चाहिए। सेवन नंबर, किस करने के बाद अगर वह मुस्कुराती है तो दोबारा किस जरूर करें। किस करने से पहले कुछ बातों को अवश्य जान लें, जैसे आपके मुंह में किसी भी तरह की कोई दुर्गंध या बदबू नहीं आनी चाहिए, ब्रश या माउथ फ्रेशनर का उपयोग पहले जरूर कर लें। एट नंबर, दोस्तों रोमांटिक केमिस्ट्री बनाने की कोई समय सीमा नहीं होती। आप दोनों के लिए जो रफ्तार सही है उसी रफ्तार से आगे बढ़ें, किंतु एक बात याद रखें, अपनी पहली किस के दौरान ज्यादातर लड़कियां अपनी ओर से कुछ नहीं करती। अगर वे वापस अपनी ओर से आपको किस नहीं करती या आपके किस करने के दौरान आपका कोई सहयोग सपोर्ट नहीं करती तो बुरा ना माने, क्योंकि लड़कियों में शर्म और झिझक कुछ ज्यादा ही होती है और पहले कामों में तो वे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती।